कोई नहीं, हम तो जो भी हुए हैं आपसे और जो नहीं भी हुए ना उनको भी करवाऊंगा, और जो हुए हैं उनको भी करवा दूंगा। जो आपको क्वेश्चन आप कल दिए थे मैंने आपको, किसी से कोई क्वेश्चन नहीं हुआ हो? सबने किए तो है ना? यस सर। गुड इवनिंग वाइश। अभी 23, 21 पीपल आए हैं, वेट तो करना पड़ेगा थोड़ा सा और, जब तक आपके साथ स्क्रीन शेयर कर देता हूँ। यही क्वेश्चन थे कल? यस स्क्रीन तो दिख रही है ना आपको? यस सर। ओके, 26। गुड इवनिंग, वेरी गुड इवनिंग विशाल। ये क्वेश्चन जो आपको स्क्रीन पे दिख रहा है, इसका आंसर किसी ने निकाला है? किसी ने किया है ये क्वेश्चन? सर क्या आया आंसर? विशाल, विशाल भाटिया, क्या आया आंसर? वंश ने भी किया है, विशाल ने किया है, ऑप्शन ए आया है। अच्छा, विशाल और वंश दोनों का ऑप्शन ए आया है। ओके, धनिष का भी आया है ए, नीलम कुमारी का भी ए ही आया है। आर्यन का भी ए आया। ओके, अच्छा नीलम आप बताओगे कैसे किया है क्वेश्चन ये एक बार? नीलम कैसे किया है क्वेश्चन? नीलम वंश, वंश चौधरी, धनेश, अच्छा वंश का माइक खराब, धनेश, धनेश, धनेश आप बताओगे क्या? कोई नहीं होता, मैं पता नहीं कैसे किया है आपने, फिर भी अब बतानी बताना नहीं चाह रहे हैं। चलो स्टार्ट करते हैं हम लोग। अच्छा उसमें क्या पूछा है? फाइंड द कॉन्स्टेंट रिलेशन बिटवीन एक्सेलेरेशन ऑफ ब्लॉक 1, 2 एंड 3। तीनों ब्लॉक्स की एक्सेलेरेशन के बीच में रिलेशन पूछा है। तो देखो पहले मैं क्या कर रहा हूं, इसका एक्सेलेरेशन मान लेता हूं a1 अपवर्ड। इसका अगर अपवर्ड है तो क्या ये फिक्सली है, तो क्या इसका एक्सेलेरेशन डाउनवर्ड हो जाएगा? होगा कि नहीं? यस सर। फिक्स पुली है तो जो एक्सेलेरेशन इधर होगा वही एक्सेलेरेशन इधर होगा A1, होगा कि नहीं? यस सर। अब हमने मान लिया अच्छा कि, मान लिया कि ये अगर मान लो अपवर्ड जा रहा है तो ये क्या होगा? अगर पुली मूविंग है ना तो इसको भी अपवर्ड ले लेते हैं। चलो अगर पुली डाउनवर्ड डायरेक्शन मूव कर रही है तो हो सकता है दोनों अपवर्ड मूव कर रहे हैं।
इसका एक्सेलरेशन मान लिया ए टू और इसका मान लिया ए थ्री, ठीक है सर। ना। हमें नहीं पता किसकी डायरेक्शन, हमने सिर्फ माना है, हमने सिर्फ मान लिया है कि क्या ऐसा हो सकता है। अब देखो, जब यहां से ये जो रस्सी थी, यहां से ये फिक्स है, तो क्या जो यहाँ पे एक्सेलरेशन होगा वही इस डायरेक्शन में एक्सेलरेशन होगा। और ये पुली किधर आ रही है, डाउनवर्ड आ रही है, डाउनवर्ड आ रही है ना। यस इसको मान सर। लो, इसको आप मान लो वन पुली, ऊपर वाली जो पुली है फिक्स है उसको मान लो पुली नंबर वन, और जो नीचे वाली पुली है इसको मान लो आप पुली नंबर टू, इसको नीचे वाली को पुली नंबर टू मान लो। अब इस नीचे वाली पुली पे एटवर्ड वाला फॉर्मूला लगा दो आप, पुली का एक्सिलरेशन इक्वल टू ए टू प्लस ए थ्री डिवाइडेड बाई टू, इस वाली पे एटवर्ड वाला फॉर्मूला लगा दो आप। क्या करना है, ये मान लो वन है पुली, ये टू पर, टू पे एटवर्ड वाला फॉर्मूला लगा दो आप, क्या ए पी इक्वल टू ए वन प्लस ए टू डिवाइडेड बाई टू होता है। अब यहाँ पे ए वन ए टू क्या है, ए टू है एक, ए थ्री है कि नहीं है। यस सर। और ये टू पुली का एक्सेलेरेशन क्या है, डाउनवर्ड डायरेक्शन में क्या है, ए वन। तो क्या मैं इसको माइनस के टू माइनस के ए वन लिख सकता हूँ, डाउनवर्ड है ना, तो यस माइनस सर। के अंदर। और ए टू आपका सिमिलर है, ए टू ए थ्री डिवाइडेड बाई टू, टू को इधर भेज दू, टू को, तो क्या आ गया आपका ए टू प्लस ए थ्री, ए टू प्लस ए थ्री इक्वल टू माइनस के टू ए वन, है कि नहीं। अरे इस टू को इधर भेज दिया ना, माइनस के टू ए वन हो गया, यस सर। इधर से क्या आ गया ए वन प्लस, ओ सॉरी, ए टू प्लस ए थ्री प्लस के टू ए वन इक्वल टू जीरो, आया कि नहीं आया, ये आया ना। यस सर। मैंने क्या, हमने क्या किया है, शॉर्टकट मेथड से बुक कराया है, शॉर्टकट मेथड फॉलो करना है हमें, जिससे कि जल्दी से जल्दी क्वेश्चन हो सके। हमने डायरेक्ट, अभी तक हम डिस्टेंस डिस्टेंस की लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग करते, उस लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग को डिफरेंशिएट करते, फिर जाके वेलोसिटी पाते, उसको एक बार और डिफरेंशिएट करते, तब एक्सेलरेशन के बीच में रिलेशन निकालते। तो डायरेक्ट एक्सेलरेशन को ही मान लो ना, अगर इसका एक्सेलरेशन अपवर्ड है तो इसका डाउनवर्ड होगा, इसका हमें पता नहीं है तो दोनों का अपवर्ड ले लेते हैं, या दोनों का डाउनवर्ड ले लो, आप कुछ भी ले लो। समझ में आ रहा है कि नहीं। यस सर। अगर आप लेंथ से करना चाहते हो तो लेंथ वाला भी दिया हुआ है। देखो अभी हमने एक्स टू माइनस के एक्स फोर, इन इन सारी डिस्टेंसेस को एक्स वन एक्स टू के फॉर्मेट में मान लिया, फिर भी लाया एटवर्ड फॉर्मूला ही, फिर भी एटवर्ड फॉर्मूला ही लगाया। देखो ये जो लगाया है ना, ये एटवर्ड फॉर्मूला है, फर्स्ट पुली, ये फर्स्ट है, ये सेकंड है। अच्छा फर्स्ट पुली का अगर इस डायरेक्शन में देखोगे आप, अगर मान लो इसका एक्सेलरेशन ए है, ए वन है, और इसका मान लो आप ए टू, ठीक है, ए फोर सॉरी, ये फोर लेंथ है ना, ए फोर इसका मान लिया, ए फोर इसका, इसका पुली का, इस वाली पुली का ए पी क्या हो जाएगा, ए पी वन क्या हो जाएगा, अगर ये फिक्स पुली है तो क्या होगा, ए पी वन जीरो होगा कि नहीं होगा, यस सर। फिक्स यस फिक्स पुली है तो इसका एक्सेलरेशन जीरो होगा। अब आप ए पी वन के लिए फॉर्मूला लगाओ, ए वन प्लस ए फोर डिवाइडेड बाई टू। अब देखो ए फोर आपका डाउनवर्ड है, ए फोर डाउनवर्ड है ना, यस सर। तो ये क्या होगा, माइनस यस का होगा, ये माइनस का होगा। अभी इसमें, इस वाले फॉर्मूले में प्लस माइनस के साइन लिया ही नहीं, प्लस माइनस का साइन नहीं लिया, यहाँ पर यहाँ के अकॉर्डिंग लिया है। देखो दो चीजें होती है, अगर आप डायग्राम में डायरेक्शन शो कर रहे हो तो जो क्वेश्चन सॉल्व करोगे उसमें डाउनवर्ड को नेगेटिव, अपवर्ड को पॉजिटिव नहीं लोगे, और अगर आप डायग्राम को नहीं देख रहे हो, डायग्राम में डायरेक्शन शो नहीं कर रहे हो, तब आके यहाँ पर पॉजिटिव नेगेटिव लेते हैं। समझ में आ रहा है ना। तो यस सर। ये जो लेंथ लिखी है ना, यस वेस्टेज लिखी, आप यहाँ पर सिंपल, ये अगर अपवर्ड है तो ये सिंपल है, ये डाउनवर्ड जाएगा, जो इसका एक्सेलरेशन होगा वही इसका एक्सेलरेशन होगा, इस पर, इस वाले पे सिंपल एटवर्ड फॉर्मूला लगा दो, डायरेक्ट आंसर आ जाएगा आपका। क्लियर है, ऐसा एक क्वेश्चन और मिलेगा आपको, असाइनमेंट में ये क्वेश्चन है, असाइनमेंट आपको सेम क्वेश्चन मिलेगा, सेम उससे इस वाले फॉर्मूले
से इसी वाले से, इसी मेथड से कर लो या पीछे वाले मेथड से कर लो, उसी से क्वेश्चन हो जाएगा। क्लियर है? यस सर। अब ये वाला क्वेश्चन किया आपने, ये वाला क्वेश्चन किया किसी ने? यस सर। क्या आया आंसर? सर बी। बी ऑप्शन आया आपका। और किसी ने किया? सर किया है। क्या आंसर आया? सर बी। नीलम, नीलम एक बात बताओ, अभी मैंने पूछा था आपसे इस क्वेश्चन को, इस वाले जो पीछे वाला क्वेश्चन है, ये कैसे किया आपने, तो कुछ आंसर ही नहीं दिया था। सर मुझे आवाज ही नहीं आ रही थी तो आपकी तो। ये क्वेश्चन क्या, ये कैसे किया फिर ये बताओ नीलम, ये कैसे किया है? सर जैसे पिछला क्वेश्चन हुआ वैसे किया है। नहीं, पिछला क्वेश्चन कैसे, अच्छा वैसे मतलब कैसे किया है बताओ, तो थोड़ा हिंट तो बता दो, आपने किया होगा तो। बताओ कैसे किया है? A1 आपको क्या दिया हुआ है? A1 A1 की वैल्यू दी हुई है 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर अपवर्ड डायरेक्शन में। यस सर। तो अगर A1 की वैल्यू दी हुई है तो क्या B पॉइंट का भी एक्सेलरेशन सेम होगा? क्योंकि तो वो फिक्स है ना, ऊपर फिक्स है कि नहीं? देखो सर ऊपर का पार्ट पूरे फिक्स है, रेस्ट पे है वो। ऊपर फिक्स है, तो क्या आपका बी वाली पॉइंट पे क्या होगा, एक्सेलरेशन सेम होगा। अब आपको क्या करना है, बी वाले का, बी पॉइंट का एक्सेलरेशन आ गया तो पुली का, टू पुली का एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, जो आपका A1 था। अब आपका डी पॉइंट का एक्सेलरेशन क्या है, जीरो है, क्योंकि डी पॉइंट फिक्स है। वहां से आप एटवर्ड फॉर्मूला लगा के सेकंड पुली पे एटवर्ड फॉर्मूला लगा के आप A2 की वैल्यू निकाल लो, A2 की वैल्यू निकाल लोगे, फिर उसके बाद में रिलेटिव एक्सेलरेशन निकालोगे। देखो आप, अगर आपका ये एक्सेलरेशन 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर दिया हुआ है और ये पुली फिक्स है, तो क्या यहाँ पे भी एक्सेलरेशन 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होगा? यस सर। मैं इसको अगर A2 मान लेता हूँ, A2 मान लू यहाँ पे, तो क्या 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर हो? क्यों होगा? क्योंकि ये पुली फिक्स है, इसीलिए होगा ये। अरे समझ में आ रहा है क्या सबको? समझ में आ रहा है ना? अगर देखो यस इसका सर। इसका एक्सेलरेशन 2 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, और देखो ये साइड इसकी फिक्स है, तो ये वाला एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, मान लो A3 मान लेता हूँ उसको, ये आपका जीरो हो जाएगा। यस सर। और मुझे निकालना है इसका एक्सेलरेशन, इसका एक्सेलरेशन निकालना है। मान लो इसका एक्सेलरेशन मान लिया मैंने ए एक्सेलरेशन मान लिया हमें ए निकालना, तो क्या इस पुली पे, सॉरी टू पुली पे एटवुड फॉर्मूला लगा दूंगा? क्या होता है A2, A2 मतलब पुली का जो एक्सेलरेशन है वो क्या होगा, A3 प्लस A/2 होगा कि नहीं? अरे यस सर। एटवर्ड फॉर्मूला इस पे लगाओगे, इस 2 पे, तो इस साइड का एक्सेलरेशन प्लस इसका एक्सेलरेशन / 2 इक्वल टू पुली का एक्सेलरेशन होगा यस सर। ना? तो इधर देखो A2 क्या है आपका 1, A3 क्या है 0, ए आपको यस निकालना है, सर। ए आपको निकालना है और / 2, तो आपका ए ए क्या आ गया, ए क्या आ गया आपका 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये किधर आएगा, ये डाउनवर्ड डायरेक्शन में, ये किधर आएगा, डाउनवर्ड डायरेक्शन। समझ में आ रहा है कि नहीं? क्योंकि यस तो देखो अगर ये अपवर्ड जाएगा तो ये डाउनवर्ड जाएगी, ये रस्सी डाउनवर्ड जाएगी, और ये साइड फिक्स है तो इसको भी डाउनवर्ड ही जाना पड़ेगा ना, इस ब्लॉक को। यस सर। और देखो ये डाउनवर्ड जा रहा है और ये ऊपर जा रहा है, ये एम मास ऊपर जा रहा है, तो हमें क्या निकालेंगे, रिलेटिव एक्सिलरेशन। देखो आपका जो एम मास है वो जा रहा है अपवर्ड, किससे, 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से, और जो ब्लॉक है वो आ रहा है नीचे, किससे, 2 मीटर पर
सेकंड स्क्वायर। तो दोनों के बीच में जब रिलेटिव एक्सेलरेशन निकाल लेंगे तो क्या आएगा हमारा, रिलेटिव एक्सेलरेशन क्या आएगा इन दोनों के बीच में? क्या मेरा 1 + 2 = 3 m² पर सेकंड स्क्वायर हो जाएगा रिलेटिव एक्सेलरेशन? यस सर। अगर आपको एपरेंट वेट वाला कंडीशन याद है, एपरेंट वेट वाले में एक्सेलरेशन रिलेटिव कैसे निकालते थे? अगर हमारा जो ग्रेविटी लिफ्ट नीचे आ रही है, इसका मतलब उसका एक्सेलरेशन नीचे है और ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन भी नीचे है, तो रिलेटिव एक्सेलरेशन कैसे निकालते थे? रिलेटिव एक्सेलरेशन कैसे निकालते थे? जी माइनस के ए करते थे, तब दोनों सेम डायरेक्शन में होते थे, तो करते थे कि नहीं? यस सर। सिमिलरली आपका जो लिफ्ट अगर ऊपर जा रही है और ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन नीचे है, तो हमारा रिलेटिव एक्सेलरेशन कैसे निकालते थे? जी प्लस ए करते थे कि नहीं करते थे? यस सर। सेम टू सेम हम यहाँ पे भी करेंगे कि हमारा क्या करेंगे, यहाँ पर रिलेटिव एक्सेलरेशन निकालो पहले आप। रिलेटिव एक्सेलरेशन जब हमने निकाला तो आपका क्या आया इन दोनों के, लिफ्ट और इस मास, ये जो वेट है उसके और इस मास के बीच में रिलेटिव एक्सेलरेशन आएगा 3 m/s² इन डाउनवर्ड डायरेक्शन। अब उसने क्या पूछा है? उसने पूछा है द लेंथ ऑफ द रॉड इज 100 cm, इस रॉड की लेंथ है 100 cm। तो इसने पूछा है कि जो इसका अपर एंड है, अपर इसका जो अपर एंड है ये वाला, इसको कब क्रॉस कर जाएगा, कब क्रॉस कर जाएगा? तो इसकी इनिशियल वेलोसिटी मान लो आप जीरो है, इनिशियल वेलोसिटी। और आप क्या पूछा है इसे? टाइम पूछा है, टाइम पूछा है इसने। और फाइनल वेलोसिटी आपको पता नहीं है और डिस्टेंस आपको पता है, डिस्टेंस कितनी ट्रेवल करनी है 100 cm, यानी कि 0.1 1 m। सर 1 m। 1 m समझ में आ रहा है कि देखो ऐसे हो रहा है ऑब्जेक्ट के बारे में, जैसे कि मान लो ये है मेरे हाथ में, दिख रहा है ये ऑल आउट? यस सर। ऑल आउट और ये पेन, ये पेन, पेन क्या है? ब्लॉक है। ये ऑल आउट ऊपर की तरफ जाना चाह रहा है और पेन नीचे की तरफ आ रहा है, ऑल आउट ऊपर की तरफ जा रहा है और पेन नीचे की तरफ आ रहा है। तो इसने बोला है कि कितना टाइम लगेगा इस पेन को ऑल आउट को क्रॉस करने में। ये ऑल आउट क्या है? मास, जो एम दिया है इसमें। इस ऑल आउट को क्रॉस करने, अभी देखो ऐसे हैं ये ऑल आउट और ये दोनों ऐसे हैं, तो ऑल आउट ऊपर की तरफ जाएगा, पेन नीचे की तरफ आएगा। अगर ये दोनों सेम डायरेक्शन चल रहे थे तो टाइम ज्यादा लगता, और ये अपोजिट डायरेक्शन चल रहे हैं तो टाइम कम लगेगा। समझ में आ रहा है? तो आपका रिलेटिव एक्सेलरेशन आ गया 3 m/s² और आपका इनिशियल वेलोसिटी आपने जीरो मानी कि रेस्ट से स्टार्ट होगा और पी निकालना है आपको, एस आपको दिया है। तो कौन सा रिलेशन लगाऊं इक्वेशन ऑफ मोशन का जिससे कि क्या आ जाए मेरा पी आ जाए? सर दूसरी वाली, एस इज इक्वल टू यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर। यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर। अब देखो एस कितना दिया है मेरा 1 m, यू आपका जीरो है प्लस हाफ, ए कितना दिया है मेरा 3, थ्री है ना, टी स्क्वायर। अब आप देखोगे तो टी क्या आएगा मेरा, देखो यहाँ पे 1 है, 2 इधर पहुंच जाएगा, तो 2 / 3 = t², यानी कि t क्या आया अंडर रूट में 2/3 सेकंड। कुछ लोगों का आया भी था अंडर रूट में 2/3 सेकंड। बैक क्लियर है कि नहीं सबको? यस सर। क्वेश्चन यस सर। बेटा नीलम के अलावा अभी लोग क्लास ले रहे हैं। यस सर। सबको क्लियर है? अभी 58 पीपल हैं क्लास में। यस सर। यस सर। बेटा माइक ये ऐसा करो, दिव्यांशु आदित्य, क्योंकि मुझे ना मैसेज नहीं दिखता आपका स्क्रीन, मुझे हटा के जाना पड़ता है मैसेज देखने के लिए। जैसे काफी लोग हैं जो मैसेज में बोल रहे हैं, मुझे मैसेज नहीं दिखता आपका, बोलना ही पता है। अगर आप नहीं बोलते तो मुझे ऐसा लगता है कोई रेस्पॉन्स कर ही नहीं रहा है। तो आप इतना कर लिया करो कि बोला करो जरूर, ठीक है? यस सर। यस सर। ओके। यस सर। ये आपका यस सर टाइप फॉर्मेट में मिलेगा। अब देखो ये क्वेश्चन किया किसी ने? इस क्वेश्चन के लिए मैं ये बता देता हूँ आपको, पेन उठाने की जरूरत नहीं पड़ेगी अगर आपका कंसेप्ट ठीक है तो। पेन उठाने की जरूरत आपको नहीं पड़ेगी। किया कि नहीं किया किसी ने, ये बताओ? सर ये वाला नहीं किया। अच्छा तो आप अभी करके बताओ जरा, अभी करो, जस्ट अभी करो इसको ट्राई।
हो रहा है क्वेश्चन? मतलब बहुत इजी क्वेश्चन है, आप पता नहीं क्या कर रहे हो। देखो ये बताओ, मान लो आप इस मास का एक्सेलरेशन डाउनवर्ड है, मान लो इस मास का एक्सेलरेशन डाउनवर्ड है, एक्सेलरेशन के बीच पूछा है ना रिलेशन, तो एक्सेलरेशन मानो बस, इसका एक्सेलरेशन डाउनवर्ड है ए, तो क्या आप एक बात बताओ, अगर ये पुली फिक्स है तो क्या इसका इस पॉइंट का यहाँ पर एक्सेलरेशन भी ए ही होगा? यस सर, हाँ, अगर यहाँ पर एक्सेलरेशन ए होगा तो क्या यहाँ पर भी एक्सेलरेशन ए होगा, है कि नहीं? यस सर, और ये भी पुली आप देखोगे फिक्स है, इसे देख रहे हो, फिक्स से जुड़ी हुई है ये पुली, ये भी फिक्स पुली है, तो क्या ये ब्लॉक भी इधर इस डायरेक्शन में ए से ही आ रहा होगा? यस सर, तो क्या ये मास भी आगे की तरफ ए से ही आएगा? यस सर, इस मास का एक्सेलरेशन माना है इसने ए डैश, क्या ए डैश की वैल्यू हमारी ए के ही इक्वल होगी? यस सर, होगी कि नहीं? क्यों हो रही है? क्योंकि दोनों पुली फिक्स हैं, अगर इसमें एक भी पुली मूविंग कंडीशन में होती, मूविंग कंडीशन में होती तो ये फिक्स नहीं होता, इस वजह से आपका ऑप्शन ए करेक्ट है। समझ में आ रहा है क्यों है ऑप्शन ए करेक्ट? यस सर, स्क्रीन चली गई आपकी? यस बाय सर, बाय मिस्टेक मेरे को, मेरे से डिफरेंट की वो हो गई, जस्ट वेट। दिख गई? यस सर, यस सर, क्या हाल है? ओके, ये समझ में आया आपको कि ये इसका अगर आपने डाउनवर्ड यस डायरेक्शन में ए माना था तो ये भी आपका इस डायरेक्शन में ए से ही आएगा, ये पॉइंट भी ए से ही आएगा, इसका मान लो आप एक्सेलरेशन ए डैश था तो क्या ये भी आगे की तरफ ए से ही जाएगा, तो आपका क्या आ जाएगा, ए डैश इक्वल टू ए आ जाएगा, आपका ऑप्शन ए करेक्ट होगा। ठीक यस है, सिमिलर ये आपका बहुत लंबा मेथड है, ये इसने क्या किया है, लेंथ को पहले कॉन्स्टेंट माना है, एल टू आपका कांस्टेंट लिया है इसने, ये आपका हमेशा कांस्टेंट रहेगा तो उसको अलग रख दिया है, डिफरेंशिएट किया है, अब पुली कांस्टेंट है तो उनकी वेलोसिटी तो कांस्टेंट होगी, पुली की इसकी वेलोसिटी कांस्टेंट होगी, आपका फाइनली आके आप देखोगे ए इक्वल टू ए डैश आ गया है। अब ये इतना बड़ा मेथड करने से अच्छा ये है कि आप वो शॉर्टकट मेथड करो। अरे हमें क्या करना है, हमें जेई में आंसर लाना है बस, हमें जेई में क्वेश्चन सॉल्व करके हमें ऑप्शन टिक करना है, हमें ये नहीं दिखाना कि हमें कितने अच्छे मेथड आते हैं कैसे क्या करना है, हमें सिलेक्शन चाहिए, हमें आईआईटी चाहिए, समझ रहे हो कि नहीं? यस सर, यस सर, ये मैथमेटिकल वे भी है पूरा, ये आपका असाइनमेंट, आप कल नहीं दिया था मैंने आपको, आज दे रहा हूं आपको, ये असाइनमेंट है आपका, ये आपको करना है होमवर्क में, होमवर्क भी बोल सकते हो इसको, तीन क्वेश्चन है ज्यादा नहीं है, स्क्रीनशॉट ले लो इसका, क्या साउंड नहीं आ रही आपकी। क्या नहीं आ रहा है बेटा? स्क्रीन दिख रही है क्लियर आपको? यस सर, यस सर, स्क्रीनशॉट ले यस लिया, जी स्क्रीनशॉट सर, ले लिया यस इसका, सर, ले लिया। ओके okay, अब आते हैं हम कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, मोमेंटम क्या पढ़े थे, मोमेंटम अभी देखो यहां पे हम क्या करें, क्या पढ़ेंगे, ओनली लीनियर मोमेंटम के बारे में पढ़ेंगे, अभी आप ये बात नहीं करोगे सर कोलिजन, इलास्टिक, प्लास्टिक, इन इलास्टिक, 2D कोलिजन, ये सारी चीजें हम अलग चैप्टर में, अलग जो पढ़ेंगे उसका अलग है, यहाँ पर सिर्फ इंट्रोडक्शन है इसके बारे में, ओनली मोमेंटम के बारे में इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे, बेसिक बेसिक छोटी छोटी सी कुछ प्रॉब्लम्स करेंगे एनएलएम में, इसका अलग चैप्टर होगा जिसका कोलिजन नाम होगा, जिसमें डिफरेंट डिफरेंट टाइप के 1D 2D और सारे टाइप के कोलिजन्स करवाए जाएंगे, और मोमेंटम एंगुलर लीनियर सारे मोमेंटम करवाए जाएंगे, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम सारे के सारे करवाए जाएंगे, तो यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ आपको इंट्रोडक्शन होगा, और अभी आप बताओ मुझे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम मैंने आपको पहले भी एक बार बताया है, कहाँ पर, कौन से चैप्टर में बताया था?
लॉज ऑफ मोशन। नहीं, लॉज ऑफ मोशन तो अभी चल रहा है, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम एक अदर चैप्टर में और भी बताया था पहले, याद हो तो आपको। नहीं याद है? सबसे फर्स्ट चैप्टर कौन सा था? सबसे फर्स्ट सर फिजिकल वर्ल्ड। फिजिकल वर्ल्ड। तो फिजिकल वर्ल्ड के नोट्स में आप जाके देखोगे तो आपको कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम आपको दिखाई देगा, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, ये आपको बेसिक बताया था बस, लेकिन बताया था क्या था कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, क्या होता है, कोई बताएगा मुझे? बताओगे कुछ? सर जिसमें मोमेंटम कंजर्व रहता है, जिसमें मोमेंटम कंजर्व, कंजर्व का मतलब कॉन्स्टेंट। कांस्टेंट। ओके सही है। वैसे देखो कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम का मतलब है इफ द नेट फोर्स एक्टिंग ऑन अ सिस्टम ऑफ बॉडी इज जीरो देन मोमेंटम ऑफ द सिस्टम ऑलवेज रिमेन कांस्टेंट। यानी कि अगर दो बॉडी हैं उन पर नेट फोर्स जीरो लग रहा है, कोई भी फोर्स नहीं लग रहा है, तो उसका मोमेंटम होगा, जो टोटल मोमेंटम होगा वो कांस्टेंट होगा। जैसे ये बॉडी है, ये ऑब्जेक्ट है, फर्स्ट फर्स्ट इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, सेकंड इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, बीच में ये दोनों टकराए, यहाँ पे टकरा, तो इसका इनिशियल। अच्छा मोमेंटम होता क्या है एक्चुअली में? मोमेंटम होता क्या है? एमवी ही होता है ना मोमेंटम। यस अ प्रोडक्ट ऑफ मास ऑफ अ पार्टिकल एंड इट्स वेलोसिटी। मास इनटू वेलोसिटी। मास इनटू वेलोसिटी। अब देखो अगर हम इनिशियल मोमेंटम निकालेंगे, इनिशियल वेक्टर फॉर्म में लिख रहे हैं हम, ये इधर देखो वेक्टर फॉर्म में लिख रहे हैं, तो हम साइन यहाँ पे नहीं लगाएंगे, साइन नहीं लगाएंगे, ये वेक्टर फॉर्म, जब स्केलर फॉर्म में लगाएंगे तब साइन लगाएंगे। देखो जब इनिशियल मोमेंटम क्या होगा, M1 into V1 होगा कि नहीं? यस सर। और इनिशियल यस सर। मोमेंटम टू का इनिशियल मोमेंटम क्या होगा, M2 into V2 होगा। यस सर। देखो अकॉर्डिंग टू कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम टोटल इनिशियल मोमेंटम इक्वल टू टोटल फाइनल मोमेंटम होना चाहिए। यस सिमिलरली सर। अब ये दोनों बॉल जैसे ही टकरा गई तो क्या हुआ, पहली बॉल अपनी डायरेक्शन वापस चली गई, जिस डायरेक्शन से आ रही थी जस्ट उसके अपोजिट, और दूसरी बॉल थी जिस डायरेक्शन से आ रही थी उसके जस्ट अपोजिट चली गई। तो क्या फाइनल मोमेंटम भी सिमिलर होगा, M1 इंटू V1 डैश, डैश क्या शो कर रहा है, कोलिजन के बाद की वेलोसिटी, कोलिजन के बाद की वेलोसिटी, और V2 डैश क्या शो कर रहा है, कोलिजन के बाद की वेलोसिटी V2 की, तो इनका फाइनल मोमेंटम हो गया। तो जब हम कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम यूज करेंगे तो कैसे करेंगे, M1 V1 वेक्टर प्लस M2 V2 वेक्टर इक्वल टू M1 V1 डैश वेक्टर प्लस M2 V2 डैश वेक्टर। क्लियर है ये सबको? यस सर। अब अगर हम क्या करते हैं स्केलर फॉर्म में करें, अब वेक्टर का संजट नहीं पालना हमें, तो क्या करेंगे, देखो हम क्या करते हैं, पहले इस डायरेक्शन को पॉजिटिव एक्स ले लेते हैं, इसको पॉजिटिव वाई ले लेते हैं। इसमें क्या है, ओनली लीनियर मोमेंटम की बात हो रही है, तो मोशन ओनली एक प्लेन में होगी अलोंग द एक्स एक्सिस, इसका मतलब जो भी पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन वेलोसिटी होगी उसको हम पॉजिटिव लेंगे, और जो नेगेटिव एक्स डायरेक्शन वेलोसिटी होगी उसको क्या लेंगे, नेगेटिव लेंगे। क्लियर है? यस सर। अब देखो मुझे, अब इसको मैं क्या लिख सकता हूं, देखो इस V1 को क्या, V1 को पॉजिटिव V1 लूंगा है? यस सर। इस V2 को देखो नेगेटिव एक्स डायरेक्शन में, क्या मैं नेगेटिव V2 लूंगा, इसको V2 को यस सर। इसको क्या लिखूंगा, M1 V1 माइनस M2 V2, ये होगा मेरा इनिशियल मोमेंटम, यस सर। और फाइनल मोमेंटम क्या होगा, सिमिलरली देखो ये आपकी नेगेटिव डायरेक्शन में जा रही है, ये लौट के द्वारा वापस जब जा रही है तो पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में जा रही है, तो इसका मतलब इसको क्या लिखूंगा, -K V1 डैश, और इसको क्या लिखूंगा, +K V2 डैश लिखूंगा कि नहीं? यस सर। तो सिमिलरली यहाँ पे क्या हो जाएगा, M1 V1 डैश -K होगा ये, क्योंकि -K जो ये वेलोसिटी, ये बॉल है फर्स्ट वापस जा रही है, ये किसका होगा, प्लस का, M2 V2 डैश। तो लीनियर मोमेंटम कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम के अकॉर्डिंग जब स्केलर फॉर्म में लिखोगे तो आप इसको ये भी लिख सकते हो, इसको लिख दो M1 V1 -K M2 V2 इक्वल टू -K M1 V1 डैश प्लस M2 V2 डैश। ये क्या है आपका लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम।
यस सर। समझ में आया? ओनली लीनियर यस क्वांटम की बात सर। हो रही है यहाँ पे, वो भी 1D, 1D। अभी आपको आगे चल के जब कोलिजन चैप्टर होगा उसमें क्या होगा कि एक वॉल यहां से आ रही है, एक वॉल यहां से आ रही है, ये वॉल टकराई, जैसे मान लो ये आपका एक्स प्लेन है, ये आपका वाई प्लेन है, ये वॉल टकराई तो मान लो ये वॉल इस डायरेक्शन वापस आई, ये एक वॉल इधर गई, तो इन दोनों का डायरेक्शन वाइज होगा, ये 2D वाला मोमेंटम आएगा। अभी ये 2D वाला मोमेंटम नहीं पढ़ेंगे, अभी नहीं पढ़ रहे हैं, जब हमारा टॉपिक सिलेबस के अकॉर्डिंग जब वो टॉपिक होगा उस टाइम पे हम 2D सारे टाइप के मोमेंटम पढ़ेंगे, कोलिजन के सारे टाइप के, इलास्टिक, प्लास्टिक, परफेक्टली इलास्टिक, सारे कोलिजन पढ़ेंगे। तो आपको ये यस चैप्टर इतना पढ़ाया जा रहा है यहाँ पे, जितना पढ़ाया जाए उससे ये नहीं सोचना कि कुछ छोड़ा जा रहा है आपके लिए, छोड़ा कुछ नहीं जा रहा, बस राइट टाइम पे राइट मेथड राइट अमाउंट में आपको पढ़ाया जाएगा, ठीक है। यस सर। यस सर। अब देखो उसके एप्लीकेशन क्या होते हैं, एप्लीकेशन आप जब रॉकेट देखते हो, रॉकेट, रॉकेट छोड़ो, रॉकेट तो बड़ी बात हो गई, अभी आप गन पे आ जाओ, गन पे, ये बंदा दिख रहा है आपको, जब ये गन चला रहा है तो यस देखो इसको पीछे की तरफ में फोर्स लग रहा है, पीछे की तरफ लग रहा है सर। कि सीधे कंधा पीछे कितनी जोर से जा रहा है, यस सर। पीछे जा रहा है, यस सर। क्यों जा रहा है सर इसका कंधा पीछे, मोमेंटम क्यों जा रहा है क्यों आ रहा पीछे है इधर कंधा? हाँ, क्योंकि का। देखो देखो रेस्ट पे जब ये बंदा गन नहीं चला रहा था उस टाइम पे क्या हो रहा था कि गन गन रेस्ट भी पे दी रेस्ट थी पे गन। थी और उसके अंदर जो बुलेट थी वो भी रेस्ट पे थी, दोनों ही चीजें रेस्ट पे थी, यस इनिशियली क्या सर। थी, दोनों चीजें रेस्ट पे थी। अब जब इसने फायर किया, जैसे ही इसने फायर किया तो क्या इसकी गन से बुलेट निकली होगी, यस मान लो सर। वो वी वेलोसिटी से, मोशन अब जब वो आगे की तरफ निकली है तो उसको मोमेंटम कहां से मिलेगा, तो वो गन को पीछे की तरफ बैकवर्ड धकेलेगी ना, डायरेक्शन। गन को बैकवर्ड धकेलेगी, तो गन को जो बैकवर्ड धकेल रही है उसकी वजह से ये कंधा इसका पीछे जा रहा है, जा रहा है कि नहीं, यस यस सर, सर। उसी की वजह से कंधा। हमने आपको याद हो तो एक क्वेश्चन भी किया था हमने कि कोई गन है वो 10 बुलेट्स पर सेकंड कर रही है, 10 बुलेट्स पर सेकंड कर रही है तो उसको होल्ड करने के लिए कितने फोर्स की जरूरत है, ये क्वेश्चन किया था कि नहीं, यस सर। सेकंड लॉ के, सेकंड लॉ में यस सर। हमने वहां पर क्वेश्चन सेकंड लॉ की हेल्प से किया था, लेकिन किसी एक बच्चे ने मोमेंटम की हेल्प से भी किया था उस क्वेश्चन को, यस ये है। सर। तो देखो अभी यहां पर समझ में आ रहा है कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम कैसे फॉलो हो रहा है, इनिशियल मोमेंटम दोनों का जीरो था लेकिन जैसे ही बुलेट आगे की तरफ गई तो उसको जो मोमेंटम दिया उसने कहीं से लिया भी तो होगा मोमेंटम, तो उसका जितना मोमेंटम उसके पास लेके गई बुलेट उतना ही मोमेंटम से आपकी बुलेट जो गन थी उसको पीछे की तरफ धक्का दे दिया है, समझ में आ रहा यस है। तो आपका इनिशियली क्या था, इनिशियली क्या था आपका मोमेंटम ऑफ बुलेट, ये बोलो कि आप इनिशियल मोमेंटम ऑफ बुलेट क्या था आपका, जीरो था, और इनिशियल मोमेंटम ऑफ गन, गन क्या था आपका, जीरो था कि नहीं, यस सर। तो टोटल इनिशियल मोमेंटम क्या हो जाएगा आपका, टोटल इनिशियल मोमेंटम आपका जीरो होगा कि नहीं होगा, दोनों का, बुलेट प्लस गन दोनों का जीरो होगा। तो अभी आप अप्लाई करो फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम, देखो फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम इक्वल टू जीरो कर दो, या फिर ये बोलो कि फाइनल मोमेंटम इनिशियल मोमेंटम के इक्वल होगा। अब आप अप्लाई करो कि इनिशियल मोमेंटम इक्वल टू फाइनल मोमेंटम, मान लो आपकी जो गन थी वो बुलेट थी इस डायरेक्शन में गई है तो गन आपकी बैकवर्ड डायरेक्शन में आ रही है कि नहीं आ रही है, बैकवर्ड, सर। गन बैकवर्ड आ रही है, तो ये देखो आपको फॉर्मूले में माइनस का जो साइन दिख रहा है वो आपको ये शो करा रहा है कि जिस डायरेक्शन में बुलेट जा रही है उसके अपोजिट डायरेक्शन में गन जाएगी, यस सर। जिसके देखो आपका गन का मोमेंटम हो गया प्लस बुलेट का मोमेंटम हो गया और इक्वल टू जीरो, जीरो क्यों है क्योंकि इनिशियल मोमेंटम टोटल क्या है आपका, जीरो, जीरो इनिशियली दोनों रेस्ट पे थे ना, गन भी और बुलेट भी दोनों यस रेस्ट पे थे, सर। तो जब यहां से इसको बुलेट वाले सेक्शन को इधर ले गए तो माइनस का आ गया और एमजी का उसमें डिवाइड कर दिया, तो ये क्या आ गया आपका वीजी, यानी कि आपकी गन की वेलोसिटी, किस वेलोसिटी से ये गन यहाँ पे इसको इसके कंधे पे लगेगी वो वेलोसिटी आ गई आपकी माइनस के एमबी वीजी, एमबी वीबी अपॉन एमजी, समझ में आया आपको। यस सर। सिमिलरली हम जो रॉकेट लॉन्च करते हैं, रॉकेट लॉन्चर से जो, सॉरी नासा जो रॉकेट लॉन्च करती है तो आप देखोगे इनिशियली क्या होता है, बिफोर में आराम से रॉकेट रखी होती है ना
वर्टिकली रखी होती है, वैसे इसमें हॉरिजॉन्टल दिखाया है, वर्टिकल वर्टिकली रखी होती है, वर्टिकली रखी होती है। तो देखोगे आप जब देखोगे कंसेप्ट सब में सेम होता है, चाहे हॉरिजॉन्टल रख लो चाहे वर्टिकल रख लो। तो जब हॉरिजॉन्टल मान लेते हैं चलो, अब जब जब इसके पीछे फ्यूल जलने लगता है, जब फ्यूल जलने लगता है तो देखो अकॉर्डिंग टू न्यूटन थर्ड लॉ भी वही कहता था कि एवरी एक्शन हैव देयर इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। तो आप चाहे तो फोर्स से समझ लो कि इधर ये इसको फोर्स लगाती है तो एटमोस्फियर इसके ऊपर फोर्स लगाता है जिसकी वजह से ये बुलेट ये जो थी रॉकेट मूव करती है। आप ये भी बोल सकते हो कि ये जो फ्यूल था वो अगर वो एक बैकवर्ड डायरेक्शन में जा रहा है तो उसका कुछ मोमेंटम होगा कि नहीं होगा। यस सर, ये इसका कुछ मोमेंटम होगा, जैसे गन पीछे आगे की तरफ जा रही थी तो पीछे की तरफ अपना मोमेंटम छोड़ के जा रही थी, तो जब ये इस डायरेक्शन में अपना मोमेंटम दे रहा है तो क्या इसका मोमेंटम एक रिएक्शन मोमेंटम लगेगा आगे की डायरेक्शन में? यस सर, रॉकेट के ऊपर जैसे गन बाहर जा रही, तो गन बुलेट जब गन से बाहर जा रही थी तो गन को पीछे की तरफ धकेल रही थी, सिमिलरली रॉकेट में क्या होता है फ्यूल पीछे की तरफ जाता है, जो आपकी बर्न गैसेस होती है वो पीछे की तरफ जाती है किसी मोमेंटम से, तो आपके जो रॉकेट होता है उसकी तरफ उसको आगे की तरफ मोमेंटम लगाती है जिसकी वजह से रॉकेट आगे की तरफ मूव करता है। यस सर, समझ आ रहा है कॉन्सेप्ट, समझ आ रहा है सबको? यस सर, आगे आगे बढ़े फिर क्वेश्चन पर। यस सर, ओके, ये रहा आपकी स्क्रीन पे पहला क्वेश्चन, केबीसी वाला पहला क्वेश्चन रहा आपकी स्क्रीन पे, स्क्रीन पे इसके लिए मिलता है आपको 2 मिनट। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आपको मिलता है 2 मिनट, सॉल्व इट। बहुत इजी क्वेश्चन है, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम लगाओ उड़ा दो। आया किसी का? आया क्या किसी का? इतना टाइम तो नहीं लगना चाहिए, इजी क्वेश्चन है। सूर्यांश का आया 1.44। ओके, देखते हैं सूर्यांश क्या आंसर आएगा, अभी पता नहीं, वैसे सॉल्व करेंगे तो भी पता चलेगा, वेट करते हैं बाकी लोगों का भी देखने के आंसर। अच्छा नीलम का आया 1.43। अभिषेक भारद्वाज 43। तो पॉसिबल ही नहीं अब से क्या, क्योंकि जो पर्स जो काट था
रेत का जो ग्राफ था वो रेस्ट पे है और 5 मीटर पर सेकंड उसकी खुद की वेलोसिटी है, तो 43 कैसे हो सकता है? तमन्ना ठाकुर 2, वंश ठाकुर 2, आदित्य 2। ओके चलो देखते हैं क्या होता है, क्या आता है आंसर। देखो जरा आपको क्या दिया हुआ है। एन एम्प्टी रेल कैरफ ऑफ मास 1000, वो सॉरी 100 kg। एक रेल का कैरफ रखा हुआ है, उसका मास कितना है? 100 kg है। रेलवे ट्रैक पर रखा हुआ है, उसका मास क्या है? 100 kg है। देखो ट्रॉली सी देखी आपने, छोटी सी ट्रॉली सी होती है रेलवे ट्रैक पे ही, थोड़ा सा उसमें मतलब फ्रिक्शन बहुत कम होता है, थोड़ा सा धक्का मारो आगे की तरफ बढ़ती जाती है यस तो उसी वही सर, होती है, यस उसको हम कैरफ बोलते हैं, उसको कैरफ बोलते हैं। उसका मास दिया हुआ है 100 kg। और एक पर्सन है, मान लो इसका मास कैपिटल एम मान लेते हैं, चलो इसका मास कैपिटल एम, और ये पर्सन है उसका मास स्मॉल एम है, कितना केजी है? 40 kg है। उसका मास दिया आपको 40 kg और रनिंग विद स्पीड ऑफ 5 मीटर पर सेकेंड। इसकी वेलोसिटी है, देखो ये रेस्ट पे है, ये रेस्ट पे है तो इसकी इनिशियल वेलोसिटी मान लो 0 है, और इसकी जी इनिशियल वेलोसिटी क्या दी हुई है? इसकी इसकी भी इसको U1 मान लेते हैं, इसको U2 मान लेते हैं। इनिशियल वेलोसिटी क्या दी है? 5 मीटर पर सेकेंड दी हुई है कि नहीं? तो उसने यस पूछा है दोनों की, जब ये बंदा उल के दौड़ के 5 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से उस ट्रॉली टाइप में बैठ जाएगा, तो आपने देखा होगा जब दौड़ के किसी चीज में बैठेगा तो क्या वो भी मूव करने लग जाएगी आगे की तरफ, ट्रॉली भी? हाँ, यस सर तो आप देखोगे यस कि इनिशियल मोमेंटम, आप कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम लगाओ, लो आप कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम लगाओ, इनिशियल मोमेंट टोटल इनिशियल मोमेंटम इक्वल टू टोटल फाइनल मोमेंटम, सर ये तो होना ही चाहिए। यस अब देखो सर टोटल इनिश टोटल इनिशियल मोमेंटम का फॉर्मूला लगाओ, आपका कैपिटल एम U1 प्लस स्मॉल एम U2 होगा कि नहीं? अब देखो यस बाद में क्या हुआ है, जब वो पर्सन ट्रॉली में बैठ जाएगा, उस ट्रॉली मान लेते हैं आप, ट्रॉली में बैठ जाएगा, क्या वो दोनों एक ही कंबाइंड सिस्टम हो जाएगा, दोनों की सेम वेलोसिटी होगी? सर होगी कि नहीं दोनों की सेम वेलोसिटी? तो यस उसकी क्या होगी? कैपिटल एम मान लो दोनों की कंबाइंड वेलोसिटी। सर क्या हमारे म्यूजिक का क्या पढ़ा रहा क्या हम तो सर समझे ऑनलाइन है जेड़ा पाई है ना तूने बोला ना भाई ना है पंचवर्ष तूने बोला ना जेड़ा प्लस टू प्लस टू रॉपर एंड आंसर आंसर पाई है ना हम जो बोले तो ऑनलाइन से कुछ नहीं हुआ बोला हाँ उन्हीं उन्हीं अप्पू बड़ी है आदित्य ना सुना आदित्य ऐसे लेडी तेरे सुना मैं क्या करूँगा सवाल मैं क्या करूँ यस क्लास से तो अमिता नहीं कौन था ये? आदित्य आदित्य था, आदित्य था तो आदित्य ने मैसेज भी किया सर है, आदित्य स्माइली कुछ शेयर किया है। आदित्य ये सर वो आदित्य, दूसरा वाला है अच्छा ये आदित्य सिंह है। यस सर यही बड़ा यही टेंशन होती है कि किसी और की वजह से कोई और टारगेट ना बन जाए। यस सर ये सूर्यांश के वाला कुछ नहीं होगा ऑनलाइन क्लासेस क्लास से। ये सूर्यांश कौन है? सर ये वो बोल रहे कोई वो आदित्य ऐसे बोल रहा अच्छा, हाँ, अब जिसके लिए जिसको कुछ नहीं करना उसके लिए तो किसी से कुछ नहीं होने वाला, यस सर और जिसको कुछ करना है ना तो वो ऑनलाइन छोड़ो, वो विदाउट क्लास के भी कर लेते हैं। ये यस तो सर एटलीस्ट आपको फ्री में कुछ यस मिल तो सर रहा है, तो ऐसे लोग यस सर आपको डाइवर्ट करने के लिए ही आते हैं, क्योंकि उनको खुद खुद कुछ नहीं करना जिंदगी में, खुद कुछ भी नहीं कर रहा, एटलीस्ट जो कर रहे हैं उनको रोको बस। कुछ लोग होते हैं देखो, किसी को बराबर में रखने अपने इक्वल रखने के लिए दो तरीके होते हैं, एक वो एक तरीका होता है, अगर कोई किसी स्पीड से दौड़ रहा है तो उस स्पीड से आप दौड़ो तो उसके बराबर रह सकते हो, है कि नहीं? यस और सर दूसरा तरीका ये भी होता है कि अगर कोई दौड़ रहा है तो उसको रोक दो, उसके सामने कुछ पत्थर रख दो जिससे वो गिर जाए और उसकी स्पीड स्लो हो जाए तो हम उसके बराबर रह सकें। यस सर ये दूसरे टाइप में से हैं, ये लोग दूसरे टाइप में से हैं, ये आपको रोक रहे हैं, जो भी आप करना चाह रहे हो
उसके लिए ये लोग रोकने आए आए। अब आप एक बात बताओ, अभी इसी ऑनलाइन क्लासेस से, अबे आप ये अब से नहीं चल रही आपकी अवंती फेलो, 15 साल प्लस हो गई अवंती फेलो को ऑनलाइन क्लास देते हुए, ऑनलाइन क्लास अब से आपके लिए तो अब आई है दो लॉकडाउन के बाद में, उससे पहले भी चल रहा है। और ऑनलाइन क्लासेस के इस बार रिजल्ट भी आए हैं ना, जेई के रिजल्ट काफी अच्छे रिजल्ट आए। ये मान लो 20-30% जितने बच्चे थे उसका लमसम 20-30% बच्चों का सिलेक्शन हुआ है जेई का, जो नीट का एग्जाम, वो सॉरी नीट कह रहा हूँ मेन, जिसका जेई का जो एग्जाम है अभी हुआ है ना जनवरी में। Yes, sir. उसका रिजल्ट अभी yes, आया था, उसका जेई मेंस का फर्स्ट पेपर जो हुआ था उसका रिजल्ट आया था। तो ये लोग बोल रहे हैं आपसे कुछ नहीं होगा, अब आपकी मर्जी है किसकी बात माननी है, समझ रहे हो ना। ये लोग सिर्फ आपको सिर्फ आप लोगों को डिस्टर्ब करने के लिए आए हैं बस, उसके अलावा कुछ भी नहीं, उसके अलावा कुछ भी नहीं है। आपको फर्क दिख गया होगा कि आपको स्कूल में जो आपने पढ़ा था और यहाँ पे जो पढ़ रहे हो इससे आपको फर्क yes, दिख रहा होगा, खुद ही फर्क दिख रहा होगा आप सब लोगों को, खुद ही फर्क दिख रहा होगा। इसलिए ऐसे लोगों से डाइवर्ट नहीं होना है, बिल्कुल भी डाइवर्ट नहीं होना है ऐसे लोगों से। ऐसे लोग आएंगे और इससे पहले भी आते थे। हाँ सर आगे करवाओ आप, ओके 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 आगे करवाते हैं दनिश ओके ओके आगे करवाते हैं। हाँ हमें क्या क्या फर्क पड़ता है। और एक चीज और भी है ना, आपको कुछ देना भी तो नहीं पड़ रहा, ये भी तो है क्यों बच्चों। नो सर, आपका फ्री में फ्री ऑफ कॉस्ट आपका आपको एजुकेशन मिल रही है, फ्री ऑफ कॉस्ट आपको एजुकेशन मिल रही है विदाउट फीस के। और मैं सच बता रहा हूँ, जो भी टीचर्स आपको पढ़ा रहे हैं वही टीचर्स बायजूस के बायजूस में पढ़ाते थे, जो आपको 1.5 लाख फीस लेती है आपसे वही टीचर्स। मैं खुद पढ़ाता था यस सर बायजूस में, उसमें कोटा की कई सारी कोचिंग्स के पढ़ाए हुए। अब जो टीचर्स आपको 1.5 लाख में पढ़ाने वाले हैं वही आपको फ्री में पढ़ा रहे हैं, ये आपके लिए बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। ऐसे लोग तो आते रहते हैं जाते रहते हैं, ऐसे फालतू लोग हैं ये, ठीक है। तो हम कहां थे, मोमेंटम, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। तो जो हमने इनिशियल मोमेंटम रखा इधर, और इधर क्या रखेंगे, फाइनल मोमेंटम। अब फाइनल मोमेंटम के लिए देखो, जब ये पर्सन था, मान लो ये ट्रॉली है, इसके अंदर पर्सन बैठ जाएगा तो ये पूरे सिस्टम की जो वेलोसिटी होगी वही ना, पर्सन की और मैन की, दोनों की पूरे सिस्टम की सेम वेलोसिटी हो जाएगी ना सर, दोनों की सेम वेलोसिटी है। ये मान लो v से होगा तो इसके अंदर बैठा है तो ये भी v से ही मूव करेगा। तो क्या मैं ये बोल सकता हूँ कि मोमेंटम जो कार्ट जो आपका ट्रॉली था उसका फाइनल मोमेंटम m इंटू v था, और जो आपका पर्सन था उसका मोमेंटम भी स्मॉल m इंटू v होगा, होगा कि नहीं। अब देखो आप वैल्यू पुट करो, स्मॉल m की वैल्यू क्या है 100 इंटू यू वन की वैल्यू आपको 0 है, चूंकि इनिशियली रेस्ट पे था, वो था कि नहीं। यस सर। और एम स्मॉल एम की वैल्यू कितनी है 40 इंटू यू टू की वैल्यू क्या है आपकी 5 इक्वल टू कैपिटल एम क्या है आपका 100 इंटू, अब देखो कैपिटल एम 100 है प्लस स्मॉल एम क्या है आपका 40। क्या मैं इन दोनों को एक साथ रख के वी बाहर रख सकता हूँ, वी को कॉमन ले सकता हूँ। Yes, sir. Yes, sir. अब आपका आंसर क्या होगा, v इक्वल टू इधर से क्या होगा 40 इंटू 5 डिवाइडेड बाई 140 होगा कि नहीं। Yes, sir. यहां से जीरो कैंसिल हो जाएगा तो इधर क्या बचेगा 4 इंटू 5 डिवाइडेड बाई 14। तो क्या मैं इसको 2 लिख सकता हूँ, इसको 7 लिख सकता हूँ, तो आपका क्या आएगा 10 डिवाइडेड बाई 7 आएगा। टेन डिवाइडेड बाई 7 आएगा तो कितने टाइम से आएगा 1.4 ही लमसम आएगा, 1.4 ही बोल देते चलो, 1.4 कितना मीटर पर सेकेंड। क्लियर है सबको, तो आपकी फाइनल वेलोसिटी क्या आ गई 1.4 मीटर पर सेकेंड। क्लियर है सबको, यस सर। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट, यस सर। ओके 1.43 जो भी होगी। अब इस क्वेश्चन को करो जरा, अब बुलेट वेट है उसका 50 grams, लीव्स द गन विद अ वेलोसिटी ऑफ 30 मीटर पर सेकेंड, द रेशियो ऑफ मोमेंटम ऑफ
रेशियो ऑफ मोमेंटम ऑफ बुलेट टू गन इज व्हाट? अच्छा देखो, रेशियो ऑफ मोमेंटम अभी आपको जब याद, मैंने बताया था यहां से कि जिस मोमेंटम से गन आगे जाती है, जिस मोमेंटम से गन आगे जाती है, मान लो 10 से जा रही है आगे, क्या गन को वो पीछे की तरफ 10 से ही धकेलती है? यस सर, पीछे की तरफ। क्या वो बैकवर्ड, गन का मोमेंटम उस टाइम पे माइनस के 10 होता है? यस सर, यस सर। दोनों का मोमेंटम अगर सेम होता है, जो गन से जो बुलेट निकल रही है उसका भी मोमेंटम वही होता है और गन का मोमेंटम भी वही होता है, तो उन दोनों का रेशियो क्या होगा? भाई आपने कोई गन है, कोई मान लो ये कोई गन थी, ये कोई गन है, ठीक है, आपके पास एक गन है, इससे कोई बुलेट निकली आपकी 100 kg/s मोमेंटम से, ठीक है, तो ये गन बैकवर्ड डायरेक्शन में किससे जाएगी? बैकवर्ड डायरेक्शन, इस पे मोमेंटम, इस गन का मोमेंटम बैकवर्ड डायरेक्शन में कितना होगा? माइनस के 100 kg/s होगा कि नहीं होगा? यस सर। तो yes, sir. आपको आपको पूछा क्या है, दोनों का रेशियो पूछा है, ये आपका मोमेंटम ऑफ बुलेट है, ये आपका मोमेंटम ऑफ गन है, तो आपको क्या पूछा है, मोमेंटम ऑफ बुलेट डिवाइडेड बाई मोमेंटम ऑफ गन, तो क्या आएगा 100 डिवाइडेड बाई माइनस के 100, तो क्या आएगा आपका -1 आएगा कि नहीं आएगा आंसर? यस सर। रेशियो ऑफ मोमेंटम ऑफ बुलेट टू मोमेंटम ऑफ गन, भाई कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम लगाना है, जिस मोमेंटम से गन आगे की तरफ जाती है उसी मोमेंटम से, सेम उसी मोमेंटम से गन पीछे की तरफ आती है, बुलेट आगे की जिस मोमेंटम से आगे की तरफ जाएगी गन उसी मोमेंटम से पीछे की तरफ आएगी, तो क्या दोनों के मोमेंटम का रेशियो 1 हो जाएगा, होगा कि नहीं? यस सर। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ाएं आगे। यस सर। ओके ओके, इस क्वेश्चन को आप होमवर्क में ले लो, चलो होमवर्क करके लाना, इस क्वेश्चन को, इस क्वेश्चन को आपको होमवर्क में करके लाना है, एक और क्वेश्चन है आपके लिए होमवर्क में, ये बहुत इजी क्वेश्चन है, टफ क्वेश्चन नहीं है, कोई ऐसे स्क्रीनशॉट ले लिया आपने, पीछे वाले क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले लिया? यस सर। इसका स्क्रीनशॉट? यस सर। सर अगर अब आप इनको इनको घर से करके लाएंगे, ये रहा आपका माइंड मैप। माइंड मैप का मतलब आप कैसे न्यूटन के तीनों लॉज को समझोगे, देखो आपके दिमाग में कैसे होना चाहिए, न्यूटन के तीनों लॉज हैं, देखो फर्स्ट लॉ क्या बताता था, फर्स्ट लॉ ऑफ इनर्शिया, इनर्शिया ही ना बताता था, अगर कोई बॉडी रेस्ट पे है तो रेस्ट में रहेगी, मोशन में है तो मोशन में रहेगी, और अगर वो फर्स्ट लॉ मूविंग ऑब्जेक्ट पे लग रहा है, मूविंग ऑब्जेक्ट्स है तो कीप मूविंग, जो ऑब्जेक्ट मूविंग में है तो वो मूविंग में रहेंगे, अगर ऑब्जेक्ट रेस्ट पे है तो वो रेस्ट पे रहेगा। यस सर। यही था, और इन दोनों कब तक रहेगा, कब तक रहेगा, अनलेस एक्टेड बाय एन एक्सटर्नल फोर्स, जब तक उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगेगा, यही था। यस सर। स्क्रीन चली गई आपकी? यस सर। यस सर। ओके, ये पता नहीं क्या हो रहा है आज, अभी उसे टाइम भी हो गया, इसको चलो अब कल समझा दूंगा हम, ठीक है? क्वेश्चन भी करवाने हैं कल, और वो भी समझा दूंगा मैं कल आपको, ओके? यस। ओके सर। यस सर। ओके देन, गुड नाइट सर। गुड नाइट सर। नाइट सर। बाय सर। वेरी वेरी गुड नाइट। बाय बाय। वेरी गुड नाइट सर। वेरी गुड नाइट एवरीवन। गुड नाइट सर। वेरी गुड नाइट। गुड नाइट सर। वेरी गुड नाइट सर। गुड नाइट सर। वेरी गुड नाइट।